नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 9 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबका यहाँ एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कुछ खास कंटेंट आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप 10 से 12 दिनों में देखोगे, 12 से 13 दिनों में देखोगे तो सिर्फ आपको 5 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इस 5 और 6 टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और हम जब यहाँ एनालिसिस करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक है, जैसे हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस से काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। तो जो प्रेजेंट टाइम पर डेटा अवेलेबल है उस डेटा के आधार पर हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे बाह्य कारक हैं और कौन से ऐसे आंतरिक कारक हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण का जो फैलाव है वो काफी कम हुआ है और सरकार ने भी कौन कौन से ऐसे प्रयास किए या कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से यहाँ पर लड़ाई काफी अच्छी लड़ी गई है और लड़ी जा रही है। तो प्रेजेंट टाइम पर जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन यह एनालिसिस हम इस वीडियो के आखिरी में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप घर बैठे बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, अपने समय को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपके लिए मात्र 600 रुपए में मेंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बहुत सारे पेपर है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है विद एक्सप्लेनेशन। आप लिखो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देकर खुद को जान सकते हो। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल कोर्स अवेलेबल है। मोबाइल कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अभी अवेलेबल है, तो आप इसके जरिए भी घर बैठकर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज आने वाला है, कंपटीशन कम्युनिटी का ऑडियो कोर्स। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो प्रोग्राम से कर सकते हो। बहुत जल्द इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन दोनों के बारे में अभी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा और वहां जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल करके भी सारी जानकारियां ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज के एनालिसिस में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो सतमहला नामक स्थान है। ये सरगुजा जिले में सतमहला नामक स्थान है और यहाँ पर हर साल ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है और यह स्थान काफी प्रसिद्ध भी है उस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा कई खुदाई किए गए और वहां से कई जो है अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस बात पर हम एनालिसिस कर लेते हैं, इस स्थान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सात महला नामक स्थान है ये सरगुजा जिले में स्थित है, उदयपुर ब्लॉक है और ग्राम का नाम है कलजा। इसी गाँव के आसपास में यह सतमहला नामक स्थान स्थित है। एक और कि यह रेणुका नदी के तट पर स्थित है। आपके लिए भी यहाँ पर एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि रेणुका नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यह प्राचीन यहाँ पर मंदिर है, महलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की तरफ से खुदाई भी किया गया है। आप इसकी महत्वता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 1992 में ही जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से खुदाई भी किया जा रहा है और इस क्षेत्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र जो है भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है। यहीं पर ही अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, बस मान्यताओं में है कि यहाँ पर जो है भगवान परशुराम अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और कई मान्यता तो ऐसा भी है कि यहीं पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर 20 ऐसे तालाब भी स्थित है इस क्षेत्र में जो कि ऐसा माना जाता है कि आज तक कभी नहीं सूखा। ठीक है, और यहाँ पर हर साल ग्रामीणों की तरफ से बरहैया देवता की पूजा की जाती है। बरहैया देवता यानी कि भगवान परशुराम। तो इस टॉपिक के बारे में आप याद रखिएगा, हो सकता है अब से अगर सतमहला के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा वो है तेंदुपत्ता संग्रहण 2020। तेंदुपत्ता संग्रहण एक वनोपज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल प्रश्न पूछे भी जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो न्यू डेटा के साथ में। तो तेंदुपत्ता संग्रहण 2020 में न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर टारगेट जो है वो निर्धारित किया गया कि इस वर्ष कितना तेंदुपत्ता का संग्रहण सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका 16,71,000 मानक बोरा, यानी कि लगभग 17 लाख मानक बोरा, और बजट रखा गया है इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इससे लगभग यहाँ पर 12.5 लाख ग्रामीणों को
सीधा लाभ पहुंचने वाला है तेंदूपत्ता संग्रहण से। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ष 2019 में 15,06,883 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था और इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था और तेंदूपत्ता संग्रहकों में वितरित किया गया था। थोड़ा सा यहाँ पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए कि 2018 से पहले तेंदूपत्ता पर जो समर्थन मूल्य दिया जाता था प्रति मानक बोरा वो 2500 रुपए था। उसके बाद जब सरकार बदली तो वर्तमान समय में 4000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता पर दिया जाता है समर्थन मूल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4000 रुपीज याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 12.5 लाख वनवासी ग्रामीण गरीब परिवारों को डायरेक्ट लाभ मिल सकता है इससे। और प्रदेश में 31 लघु वनोपज सहकारी यूनियन है, इसके माध्यम से 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के जरिए इस तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें हैं तेंदूपत्ता संग्रहण 2020 के बारे में, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के 6 सरकारी अस्पताल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कंटेंट थोड़ा सा बाहर चले गया है तो ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ के 6 सरकारी अस्पतालों को, यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये 6 सरकारी अस्पतालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये दिया क्यों जाता है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई सरकारी अस्पताल अपने मरीजों के प्रति बेहतर काम करती है या फिर जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अगर बेहतर काम करती है तो उसके लिए एक लक्ष्य नाम से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो एक सर्टिफिकेट लक्ष्य नाम से भी छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल को मिला है इस 6 में से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर कोई अस्पताल बेहतर काम करती है तो उसका गुणवत्ता सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस गुणवत्ता सर्टिफिकेट का नाम है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके लिए टोटल 8 पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर कोई सरकारी अस्पताल इस 8 पैरामीटर पे खरा उतरता है तो उसको भारत सरकार की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के ये जो 6 सर्टिफिकेट, छत्तीसगढ़ को जो ये 6 सर्टिफिकेट मिला है, कौन कौन से अस्पताल को मिला है इस बात पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बलौदाबाजार का जिला चिकित्सालय हो गया, इसके अलावा राजनांदगांव जिले का छुई खदान का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन और लक्ष्य दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। लक्ष्य किस लिए दिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अगर बेहतर काम करती है अस्पताल, उनके प्रति बेहतर काम करती है तो ये लक्ष्य सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा महासमुंद का जिला चिकित्सालय हो गया तथा भानु प्रतापपुर नगरी और डोरमी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 6 प्रमाण पत्र टोटल छत्तीसगढ़ को मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े छत्तीसगढ़ के प्रयास पर आप वैल्यू एडिशन मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी इन बातों का काफी ध्यान रख सकते हो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है हमार गांव हमार खेत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को चलाया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। कार्यक्रम का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमार गांव हमार खेत कार्यक्रम। ये जो सेकेंड ईयर में जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से वो कृषि उद्यानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए एक नवीन कार्यक्रम है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस सत्र के छात्र, यानी कि 2019 और 20 सत्र के छात्र ग्रामीण स्तर पर जाकर खेतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, वहां पर प्रैक्टिकल रूप से जान सकें। और इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जरिए, और उस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से वहां पर बच्चों को सिखाया भी जा रहा है कि कैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां पर गांव में रिसर्च कर सकते हैं, वहां के खेतों के बारे में जान सकते हैं। इन सब बातों के लिए ही शुरू किया गया है हमार गांव हमार खेत कार्यक्रम। तो प्रीलिम्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसकी तरफ से शुरू किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से वर्ष के छात्रों के लिए शुरू किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट का टॉपिक है वो है सीख कार्यक्रम, यानी कि लर्निंग प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो हाल ही में यूनिसेफ ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है जिसका नाम है सीख कार्यक्रम। इसकी मदद से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि 5th क्लास के बच्चे हैं, उससे नीचे के बच्चे हैं,
उनको घर में बेहतर तरीके से सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, इसी के उद्देश्य से इस सिख कार्यक्रम को यूनिसेफ की तरफ से लॉन्च किया गया है और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इस सिख प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके मद्देनजर होगा क्या कि इस प्रोग्राम के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर और भी सोशल मीडिया के जरिए यूनिसेफ के इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, इमेज प्रोवाइड करवाया जाएगा या बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जिससे बच्चे सीख सकते हैं और घर में बैठकर ही उनके फैमिलीज वाले जो है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसीलिए यूनिसेफ की तरफ से यह सीख प्रोग्राम चलाया गया है और छत्तीसगढ़ में भी कई हिस्सों में इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस सीख कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट का टॉपिक है, हर साल जब भी बरसात का महीना या बरसात का समय शुरू होने वाला रहता है उससे पहले सरकारों की तरफ से, वन विभाग की तरफ से तैयारी की जाती है वृक्षारोपण के लिए। तो पिछले साल भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 7 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था और इस वर्ष भी 7 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष बरसात के समय पे पौधे रोपित किए जाएंगे। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो ये है 6,99,00,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है और नोडल एजेंसी भी बनाया गया। कौन कौन सा नोडल एजेंसी काम करेगी? तो एक सबसे पहला नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम लोग कैंपा कहते हैं, और मनरेगा, इन दो नोडल एजेंसी के तहत में और इसी के तहत में यहाँ पर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। तो एक तो आपका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने का लक्ष्य है 2020 में वृक्षारोपण का, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकते हो और इस नोडल एजेंसी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नदियों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, जंगलों में वृक्ष लगाए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस इन सब जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है पूरे प्रदेश भर में और टारगेट है 7 करोड़ पौधे। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, फिर से इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि कौन सी योजना के तहत में इस वृक्षारोपण का काम किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो देश में चर्चा में क्यों है, इससे लड़ाई लड़ने में। तो अगर आप देखोगे कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने काफी बेहतर काम किया है, तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बात बता देता हूँ कि कुछ बातों का आप यहाँ पर और ध्यान रखिएगा। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है या छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि न्यूज में रहे या फिर रोजगार न्यूज में रही, तो इस बात पर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुराजी गांव योजना। अभी मैंने इस टॉपिक का एनालिसिस शुरू नहीं किया है, जो 5 टॉपिक हमने एनालिसिस किया उस टॉपिक से हटकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है। सुराजी गांव योजना के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने सुराजी गांव योजना के तहत में बाड़ी का नारा दिया है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बाड़ी प्रोग्राम के तहत में बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा गरबा है उसके तहत लगभग 365 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं अब तक और इस 365 गौठानों के अंतर्गत लगभग 8,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। और सुराजी गांव योजना के बारे में आप बेसिक जानकारी भी याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 के बजट भाषण में इसका घोषणा किया गया था। सुराजी गांव योजना के तहत में 4 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो 4 प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना है। कौन कौन सा वो प्रोग्राम है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर आप अगर घुरवा के तहत में देखोगे जो कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, इससे लगभग यहाँ पर 9,000 से 10,000 लोगों को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो लॉकडाउन के दौरान जो ये सुराजी गांव योजना न्यूज में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है इसको आप जब डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको बहुत अधिक वैल्यू एडिशन करने के लिए मिल जाएगा आपके मुख्य परीक्षा में। इसके बाद आप एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के जो फ्लैगशिप योजना है वो 5 योजनाओं का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से। इसमें से कौन कौन सी योजना है? हाट बाजार क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, इसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना है, इसके अलावा सुराजी गांव योजना हो गया। इन सब का जो मॉनिटरिंग है अब ऑनलाइन किया जाएगा सीधा सीएमओ ऑफिस से, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस या आवास से, और इसके लिए 10 दिन के अंदर चिप्स को एक वेबसाइट बनाने के लिए भी बोला गया है। तो इस 5 योजनाओं का आप नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है,
पूछा जा सकता है, या आप छत्तीसगढ़ सरकार इस मॉडल की तरफ जा रही है कि अब योजनाओं का ऑनलाइन वो मॉनिटरिंग करना चाहती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि जितनी चीजें मैंने बताई प्रीलिम्स के लिए बहुत कम चांसेस है कि हमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों का आप मेंस में बहुत अधिक तक वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने तेंदुपत्ता वाले में बताया था कि तेंदुपत्ता का जो है इस साल कितने का लक्ष्य रखा गया है वो मैंने बताया, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ और भी बताया था जिसमें मैंने बताया था कि 22 जो लघु वनोपज है उस पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, या फिर कितना टन खरीदा जाएगा, लगभग 13 लाख के आसपास में लघु वनोपज खरीदने की प्लानिंग है। लेकिन मैंने वहां पर 22 बताया था, एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा क्योंकि एक और लघु वनोपज को शामिल किया गया है। अब प्रदेश सरकार द्वारा जो है 23 लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, ये 23 नंबर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से आप इन चीजों के जरिए पढ़ाई कर सकते हो, इन चीजों का वैल्यू एडिशन के तौर पर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जिस टॉपिक पर हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये है हमारा कोविड-19 छत्तीसगढ़ मॉडल। देखिए पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ ने कोरोना वायरस से काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है और लड़ भी रही है। तो कुछ जो प्रेजेंट टाइम पर जो डेटा अवेलेबल है, इस डेटा पर के आधार पर हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ ने कौन कौन से ऐसे सराहनीय काम किए, या फिर कौन कौन से छत्तीसगढ़ ने प्रयास किए जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का फैलाव काफी कम हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो प्रेजेंट टाइम पे डेटा है उससे अवगत कराना चाहूंगा। तो अगर आप पूरे भारत में देखोगे तो यहाँ पर जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगभग 21,000 के आसपास हो चुकी है, और यहाँ पर 4,000 के आसपास लोग रिकवर भी कर चुके हैं, और मौतों की संख्या लगभग आपको यहाँ पर 650-700 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट से आप यहाँ पर कंपेयर करते हो तो छत्तीसगढ़ की जो सिचुएशन है काफी बेटर है। यहाँ पर सिर्फ अभी संक्रमित लोग मिले हैं जिसमें से 27 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, और सिर्फ 9 लोग अभी जो है वो उनका इलाज चल रहा है, और यहाँ पर एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। तो आप अदर स्टेट से अगर यहाँ पर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करते हो तो छत्तीसगढ़ की जो सिचुएशन है वो काफी बेटर है। यहाँ पर कुछ और अगर हम डेटा देखें तो पूरे देश भर में जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है उसमें छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी है वो 0.0017% मात्र है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ में और देखोगे तो यहाँ पर अब तक लगभग 5,519 सैंपल्स लिए गए हैं जिसमें से 4,878 पर निगेटिव रिजल्ट आ चुके हैं और बाकी पर चल रहा है, और मात्र 36 यहाँ पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम का डेटा है, इस डेटा का आप एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर संक्रमण फैलने से रोका गया है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे बाह्य कारण। बाह्य ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव काफी कम हुआ है। तो सबसे पहली बात अगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट जो बड़े स्टेट होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर विदेशों से काफी कम लोग आते हैं या काफी कम लोग आए हैं। आप अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लो, दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पुणे में है, तो जो जो बड़े बड़े महानगर है और जो जो बड़े बड़े राज्य है वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। तो कोरोना वायरस हमारे देश में आया वहीं से, विदेशों से ही आया सबसे पहले चरण में, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या कम थी, इसीलिए छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकी, सरकार की तैयारी अच्छे से हो सकी, सरकार ने एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग अच्छे से की, और संख्या कम था इसीलिए इसका मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो पाया, इसीलिए यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण एक फैक्टर ही है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को बहुत कम हद तक यहाँ रोका गया। तो एक फैक्टर ये हो गया आपका बाह्य कारण। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी आबादी जो है लगभग 76% पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया में, और यहाँ पर ग्रामीण एरियो तक छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है लगभग 76%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की वजह से, उनसे ज्यादा कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। छत्तीसगढ़ में जब आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव मामले आए हैं सिर्फ और सिर्फ किस मामलों में, सिर्फ बड़े शहरों में पॉजिटिव मामले हैं। रायपुर में आया, राजनांदगांव में आया, आपका दुर्ग में आया, बिलासपुर में आया, कोरबा में आया, तो इस वजह से भी कोरोना वायरस का संक्रमण जो है छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव काफी हद तक कम हुआ। इसके बाद अगर हम बाह्य कारण में तीसरे फैक्टर की बात तरफ जाए तो वो हम कह सकते हैं पलायन।
अदर स्टेट के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ के मजदूरों का काफी कम पलायन हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। अगर आप अदर स्टेट में देख लो, बिहार, यूपी, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में मजदूर जो है बाहर दूसरे स्टेट्स में काम करने जाते हैं, तो इनके बीच में हड़बड़ी देखने को मिला इन सारे मामलों की वजह से। तो ये पलायन जो है काफी ज्यादा हुआ अदर स्टेट्स में, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, तेलंगाना में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके कंपैरिजन में पलायन छत्तीसगढ़ में बहुत कम हुआ। इस वजह से भी संक्रमण के फैलाव को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। तो इस वजह से सरकार ने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है, ठीक है। तो ये तो कुछ बाह्य कारण हो गए जिसकी वजह से यहाँ पर फैलाव को रोका। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आंतरिक कारण देखें कि किस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार में कोरोना वायरस का जो संक्रमण का फैलाव था उसको काफी कम किया गया, तो यहाँ पर आप सरकार के प्रयास को देख सकते हो। सरकार ने यहाँ पर काफी बेहतर प्रयास किए हैं, काफी अच्छा काम किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। जैसे आप देखोगे कि 13 मार्च को जब छत्तीसगढ़ में एक भी मरीज नहीं मिले थे, उसी वक्त से छत्तीसगढ़ के सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। जहां पर बहुत बड़ा गैदरिंग होता है उन सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। उस वक्त तक छत्तीसगढ़ में एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं आए थे। उसके अलावा 20 मार्च से ही छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन कर दिया गया था संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और जब से छत्तीसगढ़ में पहला केस मिला था उस वक्त से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। कैसे? अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाया गया, क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई और आइसोलेशन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो अभी प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ में लगभग 76,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। यानी कि वो लोग जो विदेशों से आए या फिर उनके फैमिलीज या जो बाहर से आए, इन सबको होम क्वारंटाइन में रखा गया और लगभग 76,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जा चुका है। तो ये सब सरकार के प्रयास हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पर बहुत हद तक रोका गया है या इसके फैलाव को रोका गया है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम का नाम दिया सिड। हालांकि हर जो स्टेट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर स्टेट जो है वो इस सिड प्रोग्राम पे ही काम कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो दिल्ली सरकार ने दिया। क्या है इसका मतलब? सीलिंग, यानी कि जिस एरिया में बहुत ज्यादा पेशेंट मिले या जिस एरिया में संक्रमण का फैलाव बहुत ज्यादा हो उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया। एच का मतलब है यहाँ पर होम क्वारंटाइन, छत्तीसगढ़ सरकार ने वो भी किया। जैसे यहाँ पर सीलिंग की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जैसे ही कटघोरा में आपको पता चला कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज मिले हैं तो कटघोरा एरिया को पूरा सील कर दिया गया। रायपुर में जब पहला केस मिला था आपका चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से ही इस प्रकार से एफर्ट लगा रही है कि जिस एरिया में भी संक्रमण का फैलाव देखने को मिला उस एरिया को बाकी एरिया से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। तो इस वजह से भी संक्रमण का फैलाव बहुत कम हुआ, ठीक है। तो सीलिंग हो गया, होम क्वारंटाइन हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 76,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया। तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत हद तक जो है वो मरीजों की संख्या कम मिली है, ठीक है। इसके अलावा आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसोलेशन, छत्तीसगढ़ में कम पेशेंट निकले, कम लोग संक्रमित हुए, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से काम कर सकी। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी तैयारी भी किया जा चुका है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से जारी रखा जा सके, इसलिए हर जिले में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया, अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। तो इस तरह से भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब आप एसेंशियल सप्लाई की बात करते हो तो छत्तीसगढ़ में एसेंशियल सप्लाई की कमी नहीं हुई, भागदौड़ ज्यादा नहीं हुआ। जैसे आपका मुंबई बांद्रा में हुआ, अफवाहें उड़ी कि वहां से बसें बहुत सारी जाएंगी तो एक जगह बहुत बड़ा भीड़ हो गया, तो सरकार ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिस पर आप देखते हो कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एसेंशियल सर्विसेज की मैं बात कर रहा था तो सारे सप्लाईज यहाँ पर निरंतर जारी रहे, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई एसेंशियल सर्विसेज की कमी नहीं हुई। यहाँ पर 65 लाख जो राशन कार्डधारी परिवार है उनको 2 महीने का राशन दिया गया मुफ्त में, और इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं था उनको भी 1 महीने का राशन कार्ड दिया गया मुफ्त में। तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की जिससे कि जो नीचे वर्ग के लोग थे उनमें भागदौड़ नहीं मचा। और इसके अलावा जिनके पास कोई रहने खाने की सुविधा नहीं थी या फिर जो अदर स्टेट से आए हुए थे, जो फंसे हुए थे, उनके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया और लगभग डेली 2.5 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं उन सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर संक्रमण के फैलाव को काफी कम किया गया, काफी रोका गया है और बहुत अच्छा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो
तो आप आंतरिक कारण में इन सारे मामलों को लिख सकते हो कि सरकार ने किस प्रकार से एफर्ट्स लगाए, यहाँ के एनजीओस ने किस प्रकार से एफर्ट लगाए, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन थे, जितने भी स्टेट्स वाले बॉर्डर थे, सबको सील कर दिया गया। तो इस वजह से भी यहाँ पर संक्रमण का फैलाव काफी कम हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी छत्तीसगढ़ की स्थिति और बेहतर होती जाएगी। तो इस आधार पे आप यहाँ पर चीजों को लिख सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों को लिख सकते हो, बाह्य कारण को भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप वे फॉरवर्ड में जाओगे या फिर निष्कर्ष में जाओगे तो आप यहाँ पर यह बता सकते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक जिस प्रकार से काम किए हैं, आने वाले समय में भी उम्मीद है छत्तीसगढ़ सरकार एक बेहतर काम करेगी और यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर और भी इसकी जो स्थिति है उसे और बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इन चीजों को लिख सकते हो, एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जो अपने तीन प्रोग्राम के बारे में बताया, एक 600 रुपये में मेंस का टेस्ट सीरीज, एक मोबाइल कोर्स, इसके माध्यम से आप जुड़कर घर में बैठकर बहुत आसानी से आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।